संत स्थान पर दर्शन को जा रही श्रद्धालु महिला के साथ दो ग्रामीणों ने किया दुष्कर्म। बाड़ी की प्रमुख खबर। बाड़ी उपखंड के डांग क्षेत्र में भरखा वाले बाबा पर दर्शन करने जा रही करौली जिले की एक महिला के साथ बाइक सवार दो युवकों द्वारा बाबा के मंदिर पहुंचाने के बहाने लिफ्ट देकर झांसे से जंगल में ले जाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पीड़ित महिला द्वारा सोने का गुर्जा और सरमथरा थाने पर जाकर मामला दर्ज कराने का भी प्रयास किया, लेकिन वहां पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। बाद में पीड़ित महिला बाड़ी पहुंची और उसने सीओ मनीष कुमार शर्मा को अपनी आप बीती बताई तो सीओ शर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला के पर्चा बयान लेकर मेडिकल कराया। बाड़ी सीओ मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि शुक्रवार की यह घटना है। पीड़ित महिला करौली जिले की रहने वाली है, जो डांग क्षेत्र में भरखा बाबा पर दर्शन करने जा रही थी। जब वह करौली से आकर सरमथरा के नकटपुरा गांव के पास किसी वाहन की प्रतीक्षा में खड़ी थी, इस दौरान एक बाइक सवार ने शिवचरण महिला को बाबा के मंदिर तक पहुंचाने के बहाने बाइक पर बिठाकर ले गया। भरखा बाबा पर पहुंचने से पूर्व उसने बाइक को जंगल में घुमा दिया और एक अन्य साथी देवेंद्र को बुला लिया, जहां दोनों ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद महिला शनिवार को बाड़ी पहुंची और उसने मामले की जानकारी दी। इस पर महिला के 161 के बयान दर्ज करते हुए मेडिकल कराया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। दूसरी ओर पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि वह घटना के बाद सोने का गुर्जा थाना पहुंची, वहां उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में वह शनिवार को बाड़ी पहुंची और सीओ मनीष कुमार शर्मा को पूरा मामला बताया, जिसके बाद कार्रवाई हुई है। बाड़ी से प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। करौली की रहने वाली एक महिला है, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष है। ये भरखा बाबा के दर्शन के लिए जाने के लिए नकटपुरा खड़ी थी। वहाँ सरमथुरा से मोटरसाइकिल से शिवचरण आने का इसने बताया है। शिवचरण इसको दर्शन कराने के लिए मंदिर तक ले गया है और वहाँ इसने मथारे के देवेंद्र को और बुला लिया अपने साथ और इन दोनों के साथ बलात्कार किए जाने का बताया है। तो जब ये करीब 1.5 घंटे तक वो लोग इसके साथ रहे, उसके बाद ये जब सड़क पे आ गई तो राजेंद्र गुर्जर है कोटाबाई का, वो इसको मिल गया। उसने इसको टेम्पो से भी वापस सरमथरा पहुँचाया है। तो ये रेप का बलात्कार का प्रकरण सामने आया है। पीड़िता के 161 के बयान लिए गए हैं और इसका मेडिकल करा लिया गया है और पार्चेजा जब्ती कर ली गई है। ग्राम पंचायत सखवारा में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का हुआ उद्घाटन। धौलपुर की प्रमुख खबर। ग्राम पंचायत सखवारा के सरपंच मुकेश रावत के सानिध्य में आज विद्यालय में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कृष्ण कुमार रावत एवं अध्यक्षता पूरन सिंह वाल्मीकि ने की। प्रारंभ में सरपंच मुकेश रावत ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर विधिवत उद्घाटन किया। सरपंच मुकेश रावत ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस तरह के खेलों का आयोजन करवा कर ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर दिया है। खेलों से आपस में प्रेम बढ़ता है तथा खेल को खेल की भावना से ही खेला जाना चाहिए। इस अवसर पर अन्य अतिथियों ने भी संबोधित किया। विद्यालय के बालक बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। समारोह में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र शर्मा, सरकारी कर्मचारी, विद्यालय स्टाफ एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आज अपने पूरे राजस्थान में राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह पूरे प्रदेश में हो रहा है, उसी के तहत आज हमारी ग्राम पंचायत सखवारा में राजीव गांधी ओलंपिक खेल। खेलों से आपसी सहयोग, एकता एवं सामाजिक सौहार्द की भावना का विकास होता है। रोहित बोरा, धौलपुर की प्रमुख खबर। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आगाज सोमवार को ग्राम पंचायत बीलपुर के कृपाकापुरा विद्यालय में क्षेत्रीय विधायक रोहित बोरा के मुख्य अतिथि में हुआ। मुख्य अतिथि रोहित बोरा ने कहा कि खेलों से आपसी सहयोग, एकता एवं सामाजिक सौहार्द की भावना का विकास होता है। इसी भावना को लेकर आज पूरे प्रदेश में 30 लाख से ज्यादा ग्रामीण जन खेलों में भाग ले रहे हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को शपथ दिला, खेलों के उद्घाटन की घोषणा कर वृक्षारोपण किया। कार्यक्रम में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश गर्ग, समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में पंचायत समिति धौलपुर के विकास अधिकारी राजकुमार, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दामोदर मीणा, सरिता सिंह, के गर्ग, राजेंद्र शर्मा थे। ग्राम पंचायत सरपंच बॉबी कुमारी, प्रधानाचार्य गजेंद्र सिंह, उप सरपंच रणवीर सिंह, राधेश्याम वर्मा,
हफीज खान एवं ग्रामीण जन ने अतिथियों का स्वागत किया। प्रधानाचार्य गजेंद्र सिंह ने स्वागत भाषण में प्रतियोगिता का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। आयोजन सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि ग्राम पंचायत बीलपुर में कबड्डी, खो खो, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, शूटिंग बॉल में 85 टीम भाग ले रही हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण आमजन एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। और सभी बच्चों, आज जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक गेम्स का शुभारंभ पूरे राजस्थान में एक साथ कराया, करीब 30 लाख बच्चे इसमें पार्ट ले रहे और धौलपुर में करीब करीब 57,000 बच्चे इसके अंदर पार्ट लेंगे, ग्रामीण जन पार्ट लेंगे। ये एक ऐसा खेल है जिसमें से हम ग्रामीण प्रतिभाओं को तराशेंगे और ग्रामीण प्रतिभाओं को तराशने के बाद उनको आरक्षण सरकारी नौकरी में खेल प्रतिभाओं के लिए किया है। इस प्रतिभाओं को निकालने के लिए जो भी नेशनल गेम्स में मेडल जीत के आता है उसको राज्य सरकार सरकारी नौकरी देती है। ये एक नई पहल गहलोत सरकार ने आप लोगों के बीच में करी है, ना केवल जो सिर्फ पढ़ाई में अच्छा हो उसी को सरकारी नौकरी मिलेगी, बट जो गेम्स में भी अच्छे होंगे उनको भी आएगी। तो किसी ना किसी हर आदमी में सिर्फ पढ़ाई का हुनर नहीं होता। बिजौली गांव में ओलंपिक खेलों का प्रधान एवं एसडीएम ने किया उद्घाटन। बड़ी की प्रमुख खबर, ग्राम पंचायत बिजौली में पंचायत स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेल का उद्घाटन ग्राम पंचायत बिजौली के खेल मैदान में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अजय सिंह परमार बाड़ी प्रधान एवं अध्यक्षता राधेश्याम मीणा एसडीएम बाड़ी तथा विशिष्ट अतिथि रामजीत सिंह विकास अधिकारी बाड़ी, दाऊदयाल शर्मा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बाड़ी, कल्याण सिंह मीणा अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बाड़ी एवं बिजौली सरपंच गंगाराम गुर्जर एवं बहादुर सरपंच रामजीलाल एवं गुमान सिंह मीणा पीईईओ बिजौली, रामदुलारी गोस्वामी पीईईओ बहादुरपुर एवं समस्त स्टाफ ग्रामीण उपस्थित रहे। विधायक ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर, राजाखेड़ा विधानसभा की बाढ़ प्रभावित पंचायतों महदपुरा, चीलपुरा के गांव भूडा, कठुमरा, शंकरपुरा, महंदपुरा, बक्सपुरा में पानी उतरने के साथ ही जीवन सामान्य होने लगा है। गत दिवस इन गांव में पहुंचकर विधायक रोहित बोहरा ने लोगों से मुलाकात की और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने लोगों से कहा कि जिला प्रशासन और कांग्रेस सरकार हर कदम पर लोगों के साथ खड़ी है। इस अवसर पर विधायक रोहित बोहरा के साथ अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं ग्रामीण मौजूद रहे। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मेडिकल चिकित्सा एवं कीटनाशक का छिड़काव जारी है। बाड़ी की प्रमुख खबर, धौलपुर जिले में चंबल का जलस्तर बढ़ने से बाड़ी उपखंड के करीब दर्जन भर से अधिक गांव चंबल बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जहां अनेक घर बर्बाद हो गए हैं तथा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा ने बताया कि जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल के निर्देशन में उपखंड प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार जनहित की कार्रवाई की जा रही है, जिसके अंतर्गत बाढ़ प्रभावित सेवरपाली आदि क्षेत्रों में एंटी लार्वा एक्टिविटी एवं फॉगिंग कराई जा रही है, जिससे मौसमी बीमारी का प्रकोप ना हो, लोग स्वस्थ रहें एवं वातावरण में पनप रहे कीड़े मकोड़े उनसे निजात पाई जा सके। बाड़ी से कान्हा शर्मा की रिपोर्ट। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उपखंड अधिकारी को दिया ज्ञापन। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर, भारतीय जनता पार्टी द्वारा उपखंड अधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया है कि नगर पालिका द्वारा जल निकासी के लिए नाला निर्माण के करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य कराए गए, लेकिन प्रतिवर्ष बारिश में राजाखेड़ा में भारी जल भराव की समस्या से आमजन परेशान है, जिसमें करोड़ों रुपए से बनाए निम्न गुणवत्ता वाले नाली नालों के भ्रष्टाचार की जांच कराई जाए। पिछले दिन चंबल में आई बाढ़ से प्रभावित हुए राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की चीलपुरा, महदपुरा, राजपुरा, बसई, घियाराम इत्यादि पंचायतों में मकानों के गिरने, फसलों में हुए नुकसान इत्यादि का सही आंकलन कर बिना किसी भेदभाव के पीड़ितों को उचित मुआवजा दिलाया जाए एवं पानी उतरने के बाद बीमारियों से बचाव के लिए प्रभावित गांव में पर्याप्त मात्रा में फॉगिंग कराई जाए सहित ज्ञापन में जनहित की अनेक मांगे शामिल हैं। ज्ञापन नागेंद्र सिंह जिला उपाध्यक्ष के नेतृत्व में दिया गया, जिसमें कुमार सिंह, मसूदन दंडोतिया, देवेंद्र सिंह सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदनिया की रिपोर्ट।
जो नादिरशाही जो सफेद रंग के जो लोग घूम रहे हैं 40 साल से, इनका अंत आप लोगों के हाथ में है। कस्बा में जाम की गंभीर समस्या, यातायात पुलिस बेअसर। बाड़ी की प्रमुख खबर। कस्बा में आए दिन लगने वाले जाम के झाम में फंसा हुआ है बाड़ी शहर। मुख्य रास्ते पर लगने वाले जाम में एम्बुलेंस, प्रशासन एवं पुलिस की गाड़ियां आए दिन फंस जाती हैं। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है आम रास्ते में खड़े किए जाने वाले वाहन, जो मनमाने ढंग से कहीं भी पार्क कर दिए जाते हैं। इस बेतरतीब ढंग से खड़े वाहनों के हाथ ठेला को यातायात पुलिस कर्मी भी कुछ नहीं कह पाते। तिराहों व चौराहों पर नहीं होती ट्रैफिक कर्मियों की तैनाती। प्रतिदिन लगने वाले जाम के लिए ट्रैफिक पुलिस भी नाकाफी है। तेज कड़क धूप में वाहनों की लंबी कतार से लोग होते हैं परेशान। दुकानदारों की दुकानदारी एवं राहगीरों के आवागमन पर लग जाता है ब्रेक। लंबे समय से चल रही जाम की समस्या से निपटने के लिए नहीं हो रहे ठोस इंतजाम। कस्बा की इस गंभीर समस्या से प्रशासन भी पूरी तरह वाकिफ है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। बाड़ी से प्रमोद मुद्गल की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत मरैना में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का हुआ उद्घाटन। मरैना की प्रमुख खबर। आज ग्राम पंचायत मरैना राजाखेड़ा में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों 2022 के आयोजन का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में अध्यक्षता स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि नानिक राम द्वारा की गई। मुख्य अतिथि के किरोरी लाल जिला परिषद सदस्य ने रहे, तथा विशिष्ट अतिथि राम भरोसे, उप सरपंच इंदर सिंह, विजय सिंह बाढ़ पंच, सत्यप्रकाश शर्मा पत्रकार एवं विजय सिंह लोधा उपस्थित रहे। स्थानीय विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य जुगेंद्र सिंह व चंद्रू कोली ने अतिथियों को साफा एवं माला पहनाकर स्वागत किया। अध्यक्ष, मुख्य अतिथि व कार्यवाहक प्रधानाचार्य द्वारा मां सरस्वती को माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन किया, तथा छात्र छात्राओं के सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। पीईओ साहब एवं अध्यक्ष द्वारा उद्बोधन दिया गया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर मुख्य अतिथि की उद्घोषणा के साथ ही कार्यक्रम विधिवत आरंभ हुआ। रामवरण सिंह व्याख्याता द्वारा मंच संचालन किया गया। प्रथम दिवस कबड्डी की प्रतियोगिता हुई, जिसमें पुरुष वर्ग से तथा महिला वर्ग से दो दो टीमों के बीच मुकाबला हुआ। पुरुष वर्ग में विजय पंडित की टीम ने 35-33 से तथा महिला वर्ग में रजनी की टीम ने 30-23 से विजय प्राप्त की। कार्यक्रम में समस्त विद्यालय स्टाफ के साथ ही ग्राम पंचायत के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। मरैना से सत्यप्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, मनीष कुमार जाटव। सरमथरा आंगई की प्रमुख खबर। उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आंगई में खेलों के महाकुंभ राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सरमथरा उपखंड अधिकारी मनीष कुमार जाटव और विशिष्ट अतिथि सरमथरा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी CBEO जितेंद्र कुमार जादौन रहे। कार्यक्रम का संचालन कमल सिंह मीणा अध्यापक के द्वारा किया गया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में कबड्डी, खो खो आदि कार्यक्रम किए गए। आंगई स्कूल के प्रधानाचार्य रामनिवास मीणा ने बताया कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 29 अगस्त से 1 सितंबर 2022 तक चलेंगे। खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, इस प्रकार आंगई पंचायत सरपंच प्रतिनिधि रामलखन मीणा, पिपरेट पंचायत सरपंच प्रतिनिधि धर्मेंद्र सिंह परमार, आंगई मुस्लिम संरक्षण कमेटी अध्यक्ष वहीद खान, नरोत्तम सिंह परमार, राजपूत समाज ब्लॉक अध्यक्ष सरमथरा पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि संजय कुमार जाटव, सरमथरा तहसीलदार, सरमथरा विकास अधिकारी और विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। आंगई से वहीद खान की रिपोर्ट। सरानी खेड़ा ग्राम पंचायत में हुआ ओलंपिक खेलों का उद्घाटन, धौलपुर की प्रमुख खबर। ग्राम पंचायत खेड़ा में आज सरपंच प्रतिनिधि दारा सिंह के मुख्य आतिथ्य में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता PEO गजेंद्र कुमार शर्मा ने की। मां सरस्वती के पूजन के साथ कार्यक्रम का शानदार शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता दिलीप कुमार जैन ने किया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन के प्रचार प्रसार एवं जागरूकता के लिए गत दिवस गांव में जागरूकता रैली भी निकाली गई थी। उद्घाटन समारोह कार्यक्रम में शिक्षक गण, पंचायत कार्मिक, चिकित्सा विभाग कार्मिक एवं नागरिक गण उपस्थित रहे। ग्रामीण ओलंपिक खेलों की जागरूकता को कस्बा में निकाली रैली, सैंपो की प्रमुख खबर। ग्रामीण राजीव गांधी ओलंपिक खेलों के आयोजन को लेकर स्कूली बच्चे, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं व प्रशासन ने सैंपो कस्बे के बाजारों में निकाली जागरूकता रैली। जिला परिषद CEO चेतन चौहान, SDM ललित कुमार मीणा एवं विकास अधिकारी अनूप कुमार मीणा के नेतृत्व में हुआ रैली का आयोजन। राज्य सरकार की चिरंजीवी बीमा योजना के लिए भी कस्बा वासियों को जागरूक किया।
29 अगस्त 2022 से ग्रामीण राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का होगा आयोजन। मुख्य समारोह सैंपो के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। पूर्व सरपंच अमर सिंह शर्मा मुंबई भाजपा में सक्रिय। मुंबई धौलपुर की प्रमुख खबर। धौलपुर निवासी पूर्व सरपंच अमर सिंह शर्मा मुंबई में समाज सेवा में अग्रणी बने हुए हैं। वहां आए दिन सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते रहते हैं। गत दिवस भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं भाजपा महाराष्ट्र के प्रदेश उपाध्यक्ष राजकीय पुरोहित को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में जन्मदिन की बधाई देते हुए पूर्व सरपंच अमर सिंह शर्मा ने माल्यार्पण कर उनकी दीर्घायु की कामना की। सर्वथरा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की बैठक का हुआ आयोजन। सर्वथरा की प्रमुख खबर। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की बैठक का आयोजन आदर्श विद्या मंदिर किला सर्वथरा में किया गया। बैठक में मुख्य वक्ता विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री राधेश्याम उपस्थित रहे। अध्यक्षता जिला मंत्री गिरीश वैद ने की। बैठक में राधेश्याम ने बताया कि सामाजिक समरसता के माध्यम से एक जाजम पर बैठा कर हिंदू समाज को एकत्र करने का कार्य करने के लिए स्थापना की गई थी। विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से लोगों में संस्कार, मातृभूमि के प्रति प्रेम, देश के मान बिंदुओं प्रति प्रेम यह सिखाया जाता है। विश्व हिंदू परिषद द्वारा सेवा के कार्य, सामाजिक समरसता सेवा कार्य, मिलन केंद्र आदि चलाए जाते हैं। बैठक के दौरान जिला मंत्री गिरीश वैद, संगठन मंत्री राधेश्याम, सेवा प्रमुख सुरेश मंगल, अमित सोनी, ब्रजमोहन जिंदल, मयंक चौहान, शिवम शर्मा, दीपक सोनी सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सरमथरा से शिवम दीवान की रिपोर्ट। धर्मार्थ सहायता सेवा समिति के द्विवार्षिक चुनाव संपन्न। बड़ी की प्रमुख खबर। श्री नंदराम बाबा आश्रम सहेड़ी पर श्री धर्मार्थ सहायता समिति बाड़ी द्विवार्षिक चुनाव सतीश अग्रवाल महामंत्री अग्रवाल सभा बाड़ी चुनाव अधिकारी के देखरेख में संपन्न हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर महावीर प्रसाद गोयल, उपाध्यक्ष मुकेश कुमार गर्ग, मंत्री दिलीप मंगल, अध्यापक उपमंत्री सुरेश बिंदल, कोषाध्यक्ष पद पर श्री भगवान मंगल, दुर्गा प्रसाद गर्ग, संगठन मंत्री पवन गर्ग, निरीक्षक योगेश गोयल, मीडिया प्रभारी राजकुमार गर्ग, सूचना मंत्री सुभाष चंद्र बंसल, संरक्षक निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसी के साथ ही समिति की महिला इकाई अध्यक्ष पद पर श्रीमती शालिनी गर्ग, श्रीमती सीमा बंसल उपाध्यक्ष, श्रीमती अंजना गर्ग मंत्री, श्रीमती राधा बिंदल उपमंत्री, श्रीमती रेखा देवी कोषाध्यक्ष, सांस्कृतिक कार्यक्रम मंत्री सृष्टि गोयल, श्रीमती चित्रा गर्ग सूचना मंत्री, श्रीमती हेमलता बंसल संगठन मंत्री को निर्विरोध चुना गया। इस अवसर पर धर्मार्थ सहायता समिति के समस्त सदस्यों ने भाग लिया। कमला महाविद्यालय में नव निर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष ने अपने गुरुजनों का किया अभिनंदन। धौलपुर की प्रमुख खबर। कमला महाविद्यालय के नव निर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष अजय ठाकुर द्वारा सहयोगियों एवं महाविद्यालय के प्रिंसिपल एवं डायरेक्टर का माला एवं साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। नव निर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष अजय ठाकुर ने कहा कि किसी भी छात्र छात्राओं की कोई भी समस्या हो मुझे अवगत कराएं, मैं छात्र हित के लिए हर संभव प्रयास करता रहूंगा एवं महाविद्यालय में सभी भाईचारे के साथ रहें, आपसी मतभेदों को भुलाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें, मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करता रहूंगा। इस मौके पर कमला कॉलेज पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष देवेश शर्मा, प्रवीण मुद्गल, केडी ठाकुर, रोहित पचौरी, जीतेश सिंह एवं महाविद्यालय के छात्र छात्रा उपस्थित रहे। धौलपुर से सत्यनारायण शर्मा की रिपोर्ट। केंद्रीय विद्यालय संभागीय खेल प्रतियोगिता में किरण ने जीता सिल्वर मेडल। मालपुरा टोंक की प्रमुख खबर। केंद्रीय विद्यालय अंबिका नगर की छात्रा किरण पुत्री रवि कांदला मालपुरा ने टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल जीतकर विद्यालय का नाम रोशन किया। केंद्रीय विद्यालय संगठन संभागीय खेलकूद प्रतियोगिता 2022 में किरण शर्मा ने जयपुर में आयोजित संभागीय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता 2022 में टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल जीतकर विद्यालय व क्षेत्र का नाम रोशन किया। परिवार में छाई खुशी की लहर, खेल प्रेमियों ने दी बधाई।